नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल पर। आज हम एक मिक्सर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि चंडीगढ़ SLV लाइट साउंड की तरफ से आया हुआ है। सो बाई कुरियर आया है और उसका आज हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और उसको सबसे पहले उसको अनबॉक्स करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे बहुत सारे मैं ऐसे वीडियो लेके आने वाला हूँ। डीजे की जरूरत पड़ेगी, सीजर से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। पैकिंग कुछ खास नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल जब कुरियर करता है तो अच्छे से कुरियर करता है। यहाँ पर कुछ भी कुरियर अच्छा नहीं है। तो ये 3 चैनल का मिक्सर है। ये हमें 2 बुक दिया गया है जिसमें आपका SLV लाइट साउंड की तरफ से, सो इसमें आपकी पूरी डिटेल्स है। ओके, ये नोट पैड दिया हुआ है हमें, शायद वारंटी कार्ड इसके अंदर होगा। ये भी नोट पैड दिया हुआ है SLV साउंड कार्ड की तरफ से। चलिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं। देखते हैं इसके अंदर कैसा मिक्सर है अभी। बॉक्स खोल दिया है। सबसे पहले हमें मिल जाता है इसका मैनुअल। ये मिक्सर है M4 प्रोफेशनल 3 चैनल स्क्रैच मिक्सर। इसकी यूजर गाइड से हमें पावर बोर्ड मिल जाता है यहाँ पर। इसके बाद इसमें मिक्सर आ गया आपका। वाओ, लुक वाइज तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसको निकालते हैं। सो गाइस, ये आ गया आपका 3 चैनल का मिक्सर। प्रो फर्स्ट M4 3 चैनल का मिक्सर है ये। सो आपको सब कुछ वैसे ही मिल जाता है जैसे इसमें आपको दूसरे चैनल मिक्सर में होता है। USB पोर्ट भी दिया हुआ है, आप USB से भी चला प्ले कर सकते हैं। आपके 3 चैनल हो गए ये। लुक वाइज तो बहुत अच्छा है मिक्सर, क्लोज तो बहुत अच्छा दिख रहा है। शायद से थोड़ा सा क्लोज नहीं होगा बिकॉज मेरे पास माइक नहीं है। प्रो फर्स्ट का मिक्सर है। सो अभी पीछे से भी इसका देख लेते हैं हम लोग कैसा है। ये इसका बैक लुक, बैक साइड का लुक है। चलिए अभी हम इसको टेस्टिंग करेंगे। आज सबसे पहले इसको किसकी आवाज़ कैसे है वो चेक करते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा है, ब्लैक कलर में है, ब्लैक एंड ग्रे में है। मास्टर चलिए दोस्तों, इसको ले चलते हैं अभी टेस्टिंग की तरफ। हम लोग इसको टेस्ट करते हैं सो कैसा है ये, देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक पावर बटन, बाकी आपको पावर 3 पिन कोड मिल जाती है। बाकी इसमें आपको सब कुछ सेम है जो पहले हम लोग फोनिक का MX3 चलाते थे। यहाँ पे आपको एक माइक का हब मिल जाएगा।
क्योंकि उसका लुक वाइज तो बहुत अच्छा है। अब देखते हैं इसकी कितनी पावर है, कितना कितना दम है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों इसको ले चलते हैं साउंड की तरफ। तो हम लोग इसको सेटअप कर लेते हैं और लगा कर देखते हैं। सो आज हम लोग पहले साउंड सेटअप कर रहे हैं। सो अभी हम लोग चार बेस और चार टॉप लगाएंगे। ये देखिए हम लोग साउंड सेटअप कर रहे हैं। ओरिजिनल JBL कॉपी टॉप, सेम यहाँ पर भी। दोस्तों ये हमारे पास है BL-14 SLV BL-14। तो नीचे वाले पे हम लोग चलाएंगे बेस और ऊपर वाले पे चलाएंगे हम लोग टॉप। सो दोनों ही 7000 वाट हैं। सो चलिए आपको कनेक्शन दिखा देते हैं पीछे। सो सिंपल से कनेक्शन है इसमें, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें, मेरे पास जो इसका स्पीकर है वो भी SLV के ही हैं। सो आप ये देखिए, ये आ गया हमारे बेस में। ये बेस में कनेक्शन किया हुआ है। चार बेस हैं और चार टॉप हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इसको भी आज। सो ये हमारे पास आ गया मिक्सर प्रोफर्स्ट M4। तो जिसकी हमने अनबॉक्सिंग की थी, तो आज हम लोगों ने सेटअप लगा चुके हैं। अब इसको पावर ऑन करते हैं और देखते हैं, चलाते हैं इसको आज। सो ये दोनों मेरे एम्पलीफायर में गए और ये मेरा आ गया लैपटॉप में। ये मेरा लैपटॉप में आ गया कनेक्शन। सो चलो दोस्तों पावर शुरू करते हैं। सो दोस्तों चलो इसको पावर ऑन करते हैं। पावर आ चुकी है यहाँ पर, लाइट सारी ऑन हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों म्यूजिक शुरू करते हैं। और सो दोस्तों अभी हम लोग सिर्फ बेस ऑन कर रहे हैं। तो चलिए बेस का मज़ा लेते हैं। चलो भाई। इस एम्पलीफायर पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। हम लोग इस पे 8000 वाट डाले हैं, वो भी फुल वॉल्यूम में। यहाँ से भी फुल है और यहाँ से भी फुल है। तो खोलो जरा यहाँ से, कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे देखो आप, कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है इसमें, थोड़ा भी। मिक्सर बहुत ही अच्छा है। मिक्सर में फोनिक के मुकाबले का मिक्सर है ये, कोई दिक्कत नहीं। मिक्सर बहुत ही अच्छा है।